तो अभी अभी एक अफवाह चला हुआ कि AMNS इंडिया में डिप्लोमा इंजीनियर्स की सैलरी इंक्रीज हो गई है। तब इसमें कितना सच है कितना फेक आज के इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है। तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। माय नेम इज मनीष मेहतो एंड आई मेक वीडियोस रिलेटेड टू डिप्लोमा स्टूडेंट्स एंड जॉब्स। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं AMNS में डिप्लोमा इंजीनियर्स की सैलरी रिवाइज हुई है या नहीं, अगर हुई है तो कितनी हुई है, पूरी डिटेल्स के साथ। तो आज से करीब 2-3 हफ्ते पहले मैंने इसी चैनल पे एक वीडियो डाला था AMNS इंडिया के डिप्लोमा इंजीनियर से रिलेटेड पूरे डिटेल्स के साथ। अब उसमें जो मैंने डिप्लोमा इंजीनियर्स की सैलरी बताई थी वो फर्स्ट ईयर में जो थी वो 15,500, सेकेंड ईयर में 18,000, थर्ड ईयर में 21,000 और फोर्थ ईयर में 24,000। और 4 ईयर ट्रेनिंग पीरियड खत्म होने के बाद जो मैंने पैकेज बताया था वो 4 LPA का बताया था, जो कि होता है 33,333 पर मंथ। उसी सेम वीडियो पे एक कमेंट आया कि सैलरी जो है रिवाइज कर दी गई है। उसने बताया कि वो किसी को कॉल किया था, लेकिन उस टाइम कोई प्रूफ नहीं होने के कारण मैंने उसको इग्नोर कर दिया। लेकिन अभी ईमेल आ चुका है बहुत लोगों को इसके रिगार्डिंग, और उस ईमेल में मेंशन भी किया हुआ है कि फर्स्ट ईयर की जो डिप्लोमा इंजीनियर्स की सैलरी है वो 15,500 से इंक्रीज होकर 21,000 हो गई है, लेकिन बाकी ईयर का कोई डिटेल मेंशन नहीं था और ट्रेनिंग पीरियड के बाद क्या होने वाला था वो भी मेंशन नहीं था। तो उस ईमेल में पूरा डिटेल्स नहीं होने के कारण इसीलिए जो मेरे फ्रेंड्स है AMNS इंडिया में एज अ डिप्लोमा इंजीनियर, उनसे पूछने के बाद बाकी ईयर्स का जो सैलरी है उसके बारे में पता चलिया, साथ ही में जो आफ्टर 4 ईयर जो ट्रेनिंग पीरियड है उसके बाद क्या पैकेज होने वाला है उसके बारे में भी पता चलिया। तो जो रिवाइज सैलरी है जो कि फर्स्ट ईयर का तो मेंशन किया हुआ था उस ईमेल में, जो कि था फर्स्ट ईयर में 21,000। अब सेकेंड ईयर का जो सैलरी है वो जब पूछने के पता चला वो हो चुका है 25,000, और थर्ड ईयर का जो सैलरी है वो हो चुका है 30,000, अब फोर्थ ईयर का जो सैलरी हो चुका है वो हो चुका है 35,000। मतलब जब आप फोर्थ ईयर में जाओगे तो आपका सैलरी जो होने वाला है पर मंथ 35,000 होने वाला है, और ट्रेनिंग पीरियड में ऐसा कोई डिडक्शन भी नहीं होता है। अब जब 4 साल हो जाएगा आपके ट्रेनिंग पीरियड का, उसके बाद का जो पैकेज रहेगा वो होने वाला है 5.5 LPA का, उस टाइम आपका थोड़ा बहुत डिडक्शन भी होना स्टार्ट हो जाएगा, जैसे कि रूम के लिए आपका थोड़ा बहुत कटना स्टार्ट हो जाएगा, और हो सकता है और PF के लिए भी कटे। बाकी मतलब ये जो 5.5 LPA का पैकेज है इसका मतलब है कि आपका पर मंथ आपको 45,833 के आसपास हो रहा है। अब ये जो है ये पैकेज जो है CTC है, मतलब आपको इन हैंड इससे थोड़ा कम ही मिलेगा, हो सकता है 40,000 के आसपास मिले। तो आज के इस वीडियो में इतना ही था। उम्मीद करते हैं कि आपका जो कन्फ्यूजन था AMNS के सैलरी से रिलेटेड वो रियल है या फेक है वो सब कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना जो कि AMNS में जाने वाले हैं या फिर जाना चाहते हैं। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।